सबसे पहले आपको पिकचार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे प्लस का आइकॉन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखें ऑल फोटोज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो आपको ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। अब इस बैकग्राउंड में आपको अपना पीएनजी इमेज लगाना है, तो इसके लिए आपको इधर स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको ऐड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको अपना पीएनजी इमेज को ऐड करना है। तो किस तरह से पीएनजी इमेज बनता है मैंने इसका वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फोटो को अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके आपको पेड़ के पास इस तरह से सेट कर देना है। शैडो देने के लिए यहाँ पर शैडो का ऑप्शन दिखाई देगा, शैडो पर क्लिक करने से आपका शैडो यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पैर के नीचे भी आप शैडो दें, तो इसके लिए आपको इधर ऊपर देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्राइटनेस लेवल को आपको पूरा नीचे लो कर देना है। उसके बाद इधर देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है। और लास्ट में देखें इन्वर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड में देखें रीस्टोर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका हार्डनेस और ओपेसिटी और साइज तीनों को आपको इस तरह से कम कर लेना है, ताकि शैडो देने में आपको आसानी हो। उसके बाद फोटो को जूम करना है और अपने पैर के नीचे आपको शैडो देना है। तो यहाँ पे आप अपने उंगली से लगड़ के शैडो बना ले। तो चलिए मैं आपको शैडो बना के दिखाता हूँ किस तरह से शैडो दिया जाता है। इस तरह से आपको शैडो बना लेना है दोनों पैर के नीचे और हाथ के पास इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद इधर भी राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब आपको हाथ में कैमरा लगाना है। कैमरा लगाने के लिए ऐड फोटो पे आना है और आपको कैमरे वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। अब इस कैमरे को आपको छोटा करना है और छोटा करके आपको हाथ के पास इस तरह से एडजस्ट करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से एडजस्ट किया है। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। अब इसका कैमरा की ओपेसिटी को आपको कम कर लेना है और यहाँ पर इरेज का ऑप्शन देख सकते हैं, इरेज पर क्लिक करके फिर से इरेज पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको इसको हार्डनेस ओपेसिटी को और साइज आपको इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद आप अपने अंगूठे के पास आपको इरेज करना है, ताकि ऐसा लगे कि आप कैमरे को पकड़े हैं। तो चलिए मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से ओके कर दे, अब इसको जो ओपेसिटी है इसको फुल कर दे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमरे को एडजस्ट कर लिया है। अब शेयर लगाना है, लाइन लगाना है। इसके लिए फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको शेयर वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। तो इस तरह से क्लिक करके ऊपर से ऐड कर लें। अब शेयर को खींच के बड़ा छोटा अपने साथ करके जहाँ भी सेट करना चाहते हैं वहाँ पर सेट कर दें। सेट हो जाने के बाद अब इस जगह आपको इरेज करना है, तो इरेज पे क्लिक करना है, फिर से इरेज पे क्लिक करना है और हार्डनेस ओपेसिटी साइज तीनों को कम करना है और फोटो को जूम करके आपको नीचे इरेज करना है, ताकि ऐसा लगे कि आप घास ऐसा लगे कि शेर घास के अंदर में हो। तो इस तरह से आपको इरेज करना है, नीचे नीचे आपको इरेज कर लेना है। चलिए मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको नीचे से इरेज करना है। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान, यहाँ से ओके करना है, फिर इधर राइट का निशान, यहाँ से ओके करना है। अगर और भी बाघ शेर जो भी लगाना चाहते हैं तो आपको नेट ऑन करना है। नेट ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन दिखाई देगा, स्टिकर पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है। अगर शेर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर शेर ओपन होगा, जो भी शेर आपको यहाँ से लगाना चाहते हैं उसको सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से शेर आपके सामने आ जाएगा पीएनजी के रूप में। अब इसको खींच के जहाँ भी सेट करना चाहते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लें। तो देख सकते हैं इस तरह सेट हो चुका है। अब इरेज पे क्लिक करके और फिर से इरेज पे क्लिक करना है और हार्डनेस ओपेसिटी साइज तीनों कम करके आपको जहाँ पर यहाँ पर जॉइंट लग रहा है वहाँ पे आपको हल्का हल्का इरेज कर देना है, ताकि ऐसा न लगे कि शेर को ऊपर से लगाया गया है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है, फिर इधर से ओके कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर से ड्रॉ पर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं थ्री डॉट का निशान है, यहाँ पर क्लिक करना है। सेव इमेज पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। अब फोटो में लाइटिंग इफेक्ट लगाना है, तो इसके लिए आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन और होना चाहिए जिसका नाम है स्नैपसीड। इसको ओपन करना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको फोटो जो आपने सेव किया था उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहले पॉप फिल्टर अप्लाई करना है, इससे क्या होगा आपका फोटो में HDR लुक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। ऊपर पेंसिल का आइकन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट में आता है ट्यून इमेज, ट्यून इमेज पर क्लिक करके इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेना है। किस तरह से एडजस्ट होता है मैंने इसका वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया। पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। देख क्या रहे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल या फिर फोटो ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बाय, गुड नाइट, जय हिंद।